राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चली है। कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक और हुई, जहां राज्यसभा चुनाव में एरर फ्री वोटिंग के लिए ट्रेनिंग के टिप्स इस बैठक में दिए गए। बैठक में पर्यवेक्षक रणदीप सिंह सुरजेवाला ने टिप्स दिए। देश के मौजूदा हालात और हॉर्स ट्रेडिंग पर भी इस बैठक में चर्चा की गई। सुरजेवाला ने राज्यसभा चुनाव में गलतियों के पुराने उदाहरण भी गिनाए। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी अविनाश पांडे, उम्मीदवार केसी वेणुगोपाल और डिप्टी सीएम सचिन पायलट मौजूद रहे। राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चली है। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। प्रशिक्षण अब आने वाले चुनावों को मद्देनजर रखते हुए इन सभी को दिया जा रहा है। किस प्रकार से एरर फ्री वोटिंग के लिए ये लोग प्रतिबद्ध रहे, उस चीज की ट्रेनिंग दी। बैठक में पर्यवेक्षक रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अहम टिप्स भी दिए। साथ ही देश के मौजूदा हालात और हॉर्स ट्रेडिंग पर भी इस बैठक में चर्चा की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो मौजूद है ही वहां पर, उनके अलावा डिप्टी सीएम सचिन पायलट, अविनाश पांडे और उम्मीदवार केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक में उनके साथ मौजूद रहे। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी दिनेश कसाना फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, एरर फ्री वोटिंग के टिप्स दिए रणदीप सुरजेवाला ने और साथ ही में हॉर्स ट्रेडिंग के पुरानी जो गलतियां थी राज्यसभा चुनाव में पहले कभी हुई थी उसके भी उदाहरण के तौर पर सभी को यहां पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा क्या तमाम अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जैसे विधायकों को राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर रखा गया है होटल मैरियट में, और तमाम जो कांग्रेस के नेता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट हो, तमाम जो नेता है यहाँ पर मौजूद है। विधायकों के लिए आज कार्यशाला आयोजित की गई है। इस कार्यशाला में विधायकों को एरर फ्री वोटिंग के लिए ट्रेनिंग दी गई है, किसी तरह से कोई गलती ना हो। विधायक से अधिकांश विधायक जो पहली बार जीत कर आते हैं उनसे कई बार राज्यसभा में हार्ड वोटिंग होती है तो कई बार गलती हो जाती है, रिजेक्ट होने का खतरा रहता है वोटर का, तो ऐसे में विधायकों को ट्रेनिंग दी गई है किस तरह से वो अपना वोट कास्ट करना है, किस तरह से पेन का उपयोग करना है, और पूरी जो प्रक्रिया होती है वो समझाई गई है। एआईसीसी के जो पर्यवेक्षक है रणदीप सुरजेवाला जी, उन्होंने भी यहाँ पर विधायकों को ट्रेनिंग दी गई है किस तरह से राज्यसभा के लिए वोट किया जाता है, तमाम जो प्रक्रिया है। कई बार जो ऐसे उदाहरण हरियाणा में भी कई बार खुद रणदीप सुरजेवाला का वोट रिजेक्ट हुआ था, तो उन्होंने वो सारी बातें उन विधायकों को बताई है जी। आगे भी दिल्ली एआईसीसी की ओर से जो पर्यवेक्षक हो या फिर और जो सीनियर लीडर्स हैं वो आएंगे यहाँ पर विधायकों को ट्रेनिंग देंगे, किसी तरह की कोई गलती ना हो उसके लिए विधायकों को लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। अभी 1.5 घंटे ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम चला है। आज शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे विधायकों के लिए। जो कवि है संपत सरल वो यहाँ पर कविता पाठ विधायकों के लिए सुनाएंगे, उनका मनोरंजन करवाएंगे अपने काव्य पाठ के जरिए, मोदी सरकार पर वो कटाक्ष भी करेंगे विधायकों के लिए। 2 घंटे का ये सेशन होगा 6 से 8 बजे तक का जी। दिनेश, एक और महत्वपूर्ण चीज इसमें मुझे दिखाई दे रही है, तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं किस प्रकार से विपक्ष यहाँ पर कमियां निकाल रहा है। कह रहा है कि जहाँ पर 50 लोगों के इकट्ठा होने पर भी अभी पाबंदी है, वहां पर इतने सारे विधायकों को एकत्रित कर लिया गया, लेकिन तस्वीरों में हम साफ देख पा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पूरा ख्याल रखा गया है। काफी दूर दूर एक दूसरे के साथ चेयर्स है, तो ये व्यवस्था तो बड़ी पुरजोर है वहां पर। देखिए जैसी सरकार की ओर से होटल रेस्टोरेंट शुरू कर दिए गए हैं, सभी विधायकों के लिए अलग अलग रूम की व्यवस्था की गई है, किसी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां नहीं उड़ रही है। पूरी जैसा आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए ये बैठक रखी गई है जी। बिल्कुल, पूरी तरह से जो भी गाइडलाइन है सरकार की सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, मास्क, तमाम जो गाइडलाइन है उसकी पालना करते हुए बैठक हुई है जी। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका दिनेश।